नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट की एक और इंटरेस्टिंग खबर में। और दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ काफी इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें दोस्तों हम बात करेंगे इंडियन पोल लीग की। दोस्तों आपने इंडियन प्रीमियर लीग तो सुना होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे इंडियन पोल लीग के बारे में। जैसा कि दोस्तों जिसका फाइनल जो है वो RCB और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में हुआ, उसमें दोस्तों जीता कौन ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों जो भी नए मेहमान हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल की घंटी को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे IPL की। तो दोस्तों आप सब जानते ही हैं कि कोरोना पैंडमिक की वजह से IPL जो है वह अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है, जहां पर सितंबर अक्टूबर विंडो में इसे कराने को लेकर चर्चा हो रही है, जहां पर दोस्तों जो क्रिकेटर्स हैं वो इंस्टाग्राम पर लाइव चैट करके टाइम बिता रहे हैं। वहीं पर दोस्तों इसी बीच रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम ने एक पोल को इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम था इंडियन पोल लीग, और दोस्तों इसमें सभी टीम्स ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस पोल के जरिए कौन सी टीम की फैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है इसका पता लगाया गया, और इसके फाइनल में RCB और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आमने सामने हुई थी। आपको बता दें कि RCB अभी तक के पूरे 12 सीजन खेल चुकी है, लेकिन एक भी बार कप नहीं जीत पाई, और तो और तीन बार फाइनल में भी पहुंच चुकी है, और इसके बावजूद भी इस टीम को केवल निराशा ही हाथ लगी है। RCB के पास हमेशा से ही स्टार खिलाड़ी रहे हैं, जिसमें क्रिस गेल, शेन वॉटसन, KL राहुल, AB डिविलियर्स, विराट कोहली और भी ऐसे कई नाम हैं जो कि RCB से खेल चुके हैं, और इस साल भी RCB के पास काफ़ी अच्छा बैलेंस्ड स्क्वाड मौजूद था, और फैंस को उम्मीद थी कि इस बार RCB जीतेगी, लेकिन दोस्तों कोरोना ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। और 29 मार्च को शुरू होने वाला IPL अभी तक पोस्टपोन है। खैर दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि इस पोल में आखिर जीता कौन। तो दोस्तों इस पोल में RCB की ही जीत हुई, और ये डिसाइड हो चुका है कि RCB अब तक की सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली फ्रेंचाइजी है। आपको बता दें कि ये पोल पूरे 55 दिनों तक चला, और इसमें एलिमिनेटर और प्लेऑफ्स भी खेले गए, और इसमें दोस्तों RCB ने बाजी मारी, और हो सकता था कि RCB इस बार के सीज़न में भी बाजी मार देती, लेकिन दोस्तों अभी भी मौका पूरा है। सितंबर अक्टूबर में IPL के विंडो पर काम चल रहा है, तो दोस्तों अभी RCB के फैंस को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी एक्शन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।